एशियन गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन जारी है और भारत अभी तक 5 मेडल्स जीतकर मेडल टैली में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। भारत ने 3 सिल्वर मेडल जीते हैं तो वहीं 2 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि 2 कांस्य पदक भारत को मिले हैं। इसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल में भी भारत का मेडल पक्का हो चुका है। इधर हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को 16-0 से हरा दिया है। इतनी करारी शिकस्त दी है उज्बेकिस्तान की टीम को। ऐसे ही हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं हो जाता। आप देखिए कि उज्बेकिस्तान की टीम को हॉकी टीम ने 16-0 से हरा दिया है और हॉकी टीम से भी अब मेडल की उम्मीद है। भारत की ओर से इस बार कुल 655 खिलाड़ी एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए हांगझाऊ यानी कि चीन गए हुए हैं और ये सभी खिलाड़ी कुल 40 स्पर्धाओं में अपना दम दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि आशीष चौक से मेहुली घोष और रमिता ने जहां शूटिंग में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम में सिल्वर मेडल हासिल किया है, तो एक और सिल्वर मेडल जो हमारे पास आया है वो है पुरुषों की लाइटवेट डबल स्किल्स में रोइंग में यानी कि अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह दोनों ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो सिल्वर मेडल 2 और इसके अलावा अगर ब्रॉन्ज मेडल की बात की जाए तो बाबूलाल यादव और लेखराम ने मेंस पेयर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इसी के साथ मेंस 8 में इंडिया ने सिल्वर मेडल तीसरा सिल्वर मेडल भी जीत लिया है। और अगर बात करें पांचवें मेडल की तो पांचवा मेडल है ब्रॉन्ज मेडल और महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल में रमिता ने सिंगल्स में शूटिंग सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो जहां हमें 2 मेडल मिले हैं शूटिंग में तो 3 मेडल मिले हैं रोइंग में। चीन के हांगझाऊ में चल रहे एशियाई खेलों में भारत ने जबरदस्त प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। रोइंग में भारत को 3 मेडल मिले हैं, शूटिंग में 2 मेडल मिले हैं, पुरुषों के लाइटवेट डबल स्किल्स में सिल्वर मेडल, मेंस कॉक्स 8 टीम में सिल्वर मेडल और मेंस कॉकलेस डबल में भारत ने कांस्य पदक जीता यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पुरुषों की कॉक्स 8 स्पर्धा में भारतीय टीम ने सेकेंड पोजिशन हासिल की है। रोइंग में बाबू यादव और लेखराम ने पुरुष युगल कॉकलेस में कांस्य पदक जीता है। जैसा कि हमने आपको बताया, आप देखिए कि रोइंग में हमें 3 जो अलग अलग मेडल मिले हैं, एक तरफ बाबूलाल यादव हैं और लेखराम हैं जिन्होंने रोइंग में मेंस पेयर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा 2 सिल्वर मेडल यानी कि रोइंग में ही मेंस 8 की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा पुरुषों की लाइटवेट डबल स्किल्स में भी अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने दोनों की जोड़ी ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और मेडल दिलाने वालों के बारे में कुछ खास बातें जो जाननी जरूरी है वो ये कि एशियन गेम्स में भारतीय सेना के जवानों ने हमें एक कांस्य पदक दिलाया है। अर्जुन की और अरविंद की हम बात कर रहे हैं, दोनों ने रोइंग में शानदार प्रदर्शन किया। जी मीडिया संवाददाता किरण चोपड़ा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है यानी कि चीन के हांगझाऊ में किरण चोपड़ा है, उन्होंने खास बातचीत की है, सुनिए। तो रोइंग में भारत के लिए 3-3 खुशखबरियां आई जहां 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल है और चीन में ये तिरंगा लहरा है भारतीय सेना के जवानों ने। तो बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले ओलंपिक से अब आप यहां आए हैं, कैसे देखते हैं इसको, इस जीत को, आपके गले में ये सिल्वर मेडल है? ये तो मैम क्या बता सकते हैं, बस यही बता सकता है जो भी हमने किया वो। तो आप बताएं। बहुत खुशी हो रही है मैडम, हमारा पहला एशियन गेम्स था तो थोड़ा सा यही था कि जो भी करना अच्छा ही करना, और फिर रिप्रेजेंट हम सबसे पहला इवेंट था हमारा इंडिया के लिए तो दिमाग में यही बात चल रही थी कि सबसे अच्छा मेडल फर्स्ट में अगर आ जाएगा तो हो सकता है बाद में अच्छे ही आएंगे सारे मेडल। अच्छा, इस सेना का रोइंग के साथ जो कनेक्शन है इस पर क्या कहेंगे? क्या आपने इससे पहले रोइंग के बारे में जानते थे? जहाँ से आप आते हैं रोइंग ऐसा खेल नहीं है जो बहुत ज़्यादा भारत में खेला जाता है। नहीं नहीं मैम, जब मैं 2016 में भर्ती हुआ था तो मैं जानता नहीं था कि रोइंग कौन सा गेम है, क्योंकि मैं एक्चुअली राजस्थान से आता हूँ और राजस्थान में वैसे भी रोइंग गेम को कोई जानता नहीं है। तो मैं जब सेना में आया था तो उसके बाद में मेरे को ओलंपियन बजरंग लाल ताखरा वो लेके गए और उन्होंने कोचिंग दी, फिर मैं आर्मी रोइंग नोड में सिलेक्शन हुआ मेरा। फिर मैं उधर आने के बाद में मैंने रोइंग को मतलब अच्छे से किया और मेरे को मज़ा आने लग गया था कुल मिला के गेम में। भारतीय सेना से जुड़े होने के बाद चीन में आके मेडल जीतना आपको लिए कितना बड़ा उठात हो जाता है? बहुत खुशी हो रही है मैम, बयान नहीं कर सकते, मतलब सिल्वर मेडल लेने के बाद ज़्यादा खुशी हो रही है मैम। ये बताओ कि रोइंग के लिए आपको लगता है और क्या किया जाना चाहिए? हमने देखा एशियन गेम में कंसिस्टेंटली अच्छा किया और टोक्यो में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। जी मैम, मतलब वैसे तो हमारा अच्छा चल रहा है, जैसे फेडरेशन, आर्मी, साई, टॉप्स, हमारा पूरा सपोर्ट है और आगे भी सपोर्ट रहेगा मैम। आगे क्या 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 करना चाहते हैं, कोई हसरत है दिल में अब इसके बाद?
मैम कुछ नहीं, आगे अपना पेरिस की तैयारी करेंगे अभी आने वाले दिनों में, और पेरिस में अगर अच्छी प्रैक्टिस करके वहाँ भी एक सपना मतलब पूरा करने की कोशिश करेंगे, अगर हमारा मेडल वहाँ भी मतलब सपना करेंगे पूरा मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये भारत के वो दो वीर हैं जिन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है मेंस डबल स्केल्स इवेंट में। किरण चोपड़ा, सीबीटी, हैंग्स ऑफ चीफ।